बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सारे लेक्चर्स होंगे। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आज हम यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की एक्सरसाइज करेंगे। ट्रांसलेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट से याद करनी है, इसके साथ इसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो भी आपने नोट से याद करने हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि एक्सरसाइज को अगर आप एक मरतबा ही बड़े ध्यान से समझ लें तो आपके एमसीक्यूज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आज हम यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आपके पास पेज नंबर 5 पे ग्लोसरी गिवन है। ग्लोसरी बेटे वर्ड्स मीनिंग होती हैं। एमसीक्यूज में ये पार्ट आपको आता है, एक वर्ड दे दिया जाता है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग और डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आपको एमसीक्यूज में दे दिए जाते हैं। आपने एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो एमसीक्यूज में से सिलेक्ट करके बबल फिल करना होता है। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, ड्यून्स, सैंडी हिल्स, डैजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट, ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, एलिक्वेंस, फ्लूंट, प्रोमल्गेशन, एडवेंट, डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, वर्ज, एज, क्योस, कन्फ्यूजन, क्रम्बल, ब्रेक इंटू पीसेस, सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बींग अलोन स्पेशली वेन वन फील्स प्लेजेंट, मेडिटेशन, Thinking deeply in silence, especially for religious reasons. Compassion, a strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. Eradicate, remove. Bestowed with, confer as gift. Proclaim, declare. Nexus, a complicated series of connections between different things. Pageant, disbeliever. Renounce, to state publicly that you no longer have a particular belief. Demolish, destroy. Dilemma, a difficult situation, forced to choose one of two alternatives. Theology, religious beliefs, everlasting, never-ending, proselytizing, preaching, transformation, complete change in somebody. Embodiment, living example. Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. इन words के जो synonyms मैंने आपको note down करवाए थे आपकी नीट copies पर, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद करना है। ये भी आपको MCQs की shape में ही आएंगे। Next हमारे पास है to predict the meaning, we have to read the context carefully and look for suffixes and base words. Affixation is a process of word formation by adding a prefix or suffix to a root word. बेटे इसके लिए पहले तो आप समझ लें कि prefix और suffix क्या होते हैं। वर्ड से पहले कोई भी वर्ड लगा दिया जाता है और उस वर्ड का मीनिंग जो है चेंज कर दिया जाता है, तो उस पहले लगने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। इसे याद रख लें, प्री का मतलब है पहले, फिक्स का मतलब है पहले फिक्स होना, ठीक है। किसी भी बेस वर्ड से पहले जो वर्ड फिक्स होकर उस बेस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। सुफिक्स जो है वो किसी भी बेस वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है, और उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज कर देता है। जो आपका मेन वर्ड होता है उसको आप बेस वर्ड भी कह देते हैं, उसको आप रूट वर्ड भी कह देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस लगे हैं और ये प्रॉपर एक अफिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो उन्होंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। यानी अब आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी बेस वर्ड या रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स या उसके बाद सुफिक्स लगा दिया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अफिक्सेशन। ऑथर आपके पास बेस वर्ड था या रूट वर्ड था, इससे पहले प्रीफिक्स लग गया को तो ये बन गया को ऑथर। नेसेसरी से पहले प्रीफिक्स लग गया अननेसेसरी बन गया। फेयर से पहले प्रीफिक्स लगा अनफेयर बन गया। मॉरल से पहले प्रीफिक्स लगा इम तो इमोरल बन गया। टाई से पहले प्रीफिक्स लगा अनटाई बन गया। डेंजर से पहले प्रीफिक्स लगा एन तो एन डेंजर बन गया। कॉन्शियस से पहले प्रीफिक्स लगा अन तो अनकॉन्शियस बन गया। फॉर्च्यून से पहले प्रीफिक्स लगा मिस तो मिस फॉर्च्यून बन गया। काइंड के बाद सुफिक्स लगा तो काइंडनेस बन गया। केयर के बाद लेस लगा तो केयरलेस बन गया। पोस्टपोन के बाद सुफिक्स मेंट लगा तो पोस्टपोनमेंट बन गया। एडजस्ट के बाद मेंट सुफिक्स लगा तो एडजस्टमेंट बन गया। ट्रीट के बाद मेंट सुफिक्स लगा तो ट्रीटमेंट बन गया। मीनिंग के बाद सुफिक्स फुल लगा तो मीनिंगफुल बन गया। हार्ट के बाद शिप सुफिक्स लगा तो हार्डशिप बन गया। फ्रेंड के बाद शिप सुफिक्स लगा तो फ्रेंडशिप बन गया। फॉन्ड के बाद नेस सुफिक्स लगा तो फॉन्डनेस बन गया। हैप्पी के बाद नेस
सुफिक्स लगा तो हैप्पीनेस बन गया, कंफर्ट के बाद एबल सुफिक्स लगा तो कंफर्टेबल बन गया। वन से पहले प्रीफिक्स सम लगाएंगे तो समवन बन जाएगा, और अगर वन के बाद सुफिक्स सेल्फ लगाएंगे तो वन सेल्फ बन जाएगा। बिलीव से पहले प्रीफिक्स डिस लगाएंगे तो डिसबिलीव बन जाएगा। पैरेलल से पहले प्रीफिक्स अन लगाएंगे तो अनपैरेलल बन जाएगा। जस्टिस से पहले प्रीफिक्स इन लगाएंगे तो इनजस्टिस बन जाएगा। फ्लिंचिंग से पहले प्रीफिक्स अन लगाएंगे तो अनफ्लिंचिंग बन जाएगा। नॉलेज से पहले प्रीफिक्स एक लगाएंगे तो एक्नॉलेज बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन से पहले प्रीफिक्स डी लगाएंगे तो डी कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। अब ये भी आपको वर्ड्स मीनिंग गिवन है जो कि एमसीक्यूज में आएंगे, और प्रीफिक्स और सुफिक्स का क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आता है। चार्म का मीनिंग क्या है? अट्रैक्शन। कंपोज, राइट। सिविलाइजेशन, कल्चर। फेथ, बिलीव। इरेडिकेट, इलिमिनेट। एलोक्वेंट, फ्लुएंट। बेस्टोर्ड विथ, कॉन्फर एज गिफ्ट। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय। प्रोसिडिटाइजिंग, प्रीचिंग। एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल। क्योस, कन्फ्यूजन। वर्ज, एज। वॉन्डर, सरप्राइज। डिग्निटी, प्राइड। ये भी आपको एमसीक्यूज में आएंगे। इनके वर्ड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपने ज़ुबानी बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। बेटे एक सेंटेंसेस का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पेपर में आता है। आपको वर्ड गिवन होते हैं और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और ये बात याद रखिएगा कि हमेशा आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडजेक्टिव्स। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, फेमस पोइट। बेटे एक बात बस याद रखिए कि ऐसा वर्ड जो आपको किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है ना, यानी नाउन के मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है, नाउन में मज़ीद एडिशन करता है, उसके मीनिंग्स में नाउन को मज़ीद मॉडिफाई करता है, तो वो जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। अब नाउन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है? ज़ाहिर बात है उसकी क्वालिटी बता के। अब वो क्वालिटी गुड क्वालिटी भी हो सकती है, और वो क्वालिटी बैड क्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। अशफाक अहमद वॉज अ फेमस राइटर। दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट। इट इज़ एडवाइजेबल to get the correct information from the university office. Who is responsible for this kiosk? ये आपको as it is आते हैं, और इसी तरह से आपको option given होते हैं और आपने उनमें से choose करना होता है। Next आपके पास है conditionals type 1, open condition। अब बेटे ये क्या होती है? इस किस्म के शर्त या फिक्रे हमें बताते हैं कि कोई काम उस वक्त वाक्या होगा अगर कोई शर्त पूरी हो, ठीक है। ये शर्त पूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। अब आपने इसमें क्या करना होता है? सिंपल सा एक फार्मूला है, बस उसको याद रख लें, इंशाल्लाह आपके कंडीशनल टाइप 1 ओपन कंडीशन हो जाएगी। ये भी पूछ लिया जाता है कि कंडीशनल टाइप 1 कौन सी कंडीशन होती है, तो आपने याद रखना है ओपन कंडीशन होती है। If he works hard, he will win the competition. आपके sentence के दो parts होते हैं, दो clauses होते हैं। एक clause को हम कह देते हैं if clause, और दूसरे clause को हम कह देते हैं comma clause, ठीक है। ये हमने खुद से निशानी रख ली है। अब if clause में हमने हमेशा present indefinite tense use करना है, और comma clause में हमने हमेशा future indefinite tense use करना है। आगे हम इसकी exercise देख लेते हैं। If I see Aslam, I will invite him to dinner tomorrow. If I go out, I will turn off the TV. If you
प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन. इफ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड. आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन. आई शैल अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक. विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ यू सी हर. इफ यू डोंट गो नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल. विल यू इन्फॉर्म मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट. If he works hard, he will win the competition. Next, देखिए put the correct verbs in the blanks. अब एक तो बेटे हमने verbs किए हैं grammar के, ठीक है, वो भी आपको MCQs की shape में आते हैं और ये जो आपको exercise given है ये भी आपको MCQs की shape में आती है. I dash living in this house since 1970. अब देखिए यहाँ पर preposition since given है और time given है जिससे मुझे पता चला कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है. तो इसमें मैंने कोई ऐसी ऑप्शन ही फिल करनी है जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हो. हैज़ बीन फर्स्ट ऑप्शन थी, आई के साथ तो हैज़ नहीं लगता तो ये क्रॉस हो गई, ठीक है. हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है और बीन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ भी होता है. तो ठीक है, अभी मैंने इसको रख लिया कि ये सिलेक्ट हो गई है, मैं आगे वाली ऑप्शंस भी देख लेती हूँ. वॉज, नहीं जी, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और ना ही विल भी लगता है. तो मेरी सही ऑप्शन कौन सी है? हैव बीन, ठीक है. तो मैं यहाँ पर हैव बीन पुट कर दूँगी और अगर मुझे MCQs में आएगी तो मैं हैव बीन का जो बबल है वो बबल शीट में जाके फिल कर दूँगी. नेक्स्ट देखिए, ही डैश हेयर यस्टरडे. यस्टरडे से मुझे पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए वक्त यानी माजी की बात हो रही है. तो मैंने अब ऐसा यहाँ पर वर्ब यूज़ करना है जो कि माजी को रिप्रेजेंट करे, पास्ट को रिप्रेजेंट करे. हैज़ कम, नहीं जी, हैज़ तो प्रेजेंट में लगता है. केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केम लगता है, सेकेंड फॉर्म लगती है, तो मैंने इसको अभी के लिए सिलेक्ट कर लिया. विल कम, विल जो है वो फ्यूचर में लगता है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कम. तो यहाँ पर यस्टरडे था जिससे हमें पता चला है कि ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसी सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारे पास साथ डिड भी हो, ठीक है. तो अब यहाँ पर डिड तो नहीं है, ना नॉट है, तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, ही केम हेयर यस्टरडे. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया. इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल. अब यहाँ पर ये मुझे पता चला स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये तो कंडीशनल टाइप वन यानी कि ओपन कंडीशन है क्योंकि इफ़ का क्लॉज है और सेकेंड क्लॉज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेलेक्ट करना है. वेलकम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है. कम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. हैव कम अगेन परफेक्ट टेंस है. केम पास्ट टेंस है. तो कौन सा जो है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, कम. ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर से मुझे पता चला कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. विल हैव, तो मैंने देखा कि विल जो है वो फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन विल हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो नहीं आएगा. नेक्स्ट है विल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेक आ सकता है और फ्यूचर का भी वर्ब है. विल बी, अगेन विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा. शैल, ही के अकॉर्डिंग शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल. तो इसलिए मैंने फिर विल को सिलेक्ट कर लिया. ही डैश टू अस टुमारो. टुमारो से मुझे पता चला कि अगेन ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है. कम्स फ्यूचर टाइम में नहीं लगता, प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. विल कम अकॉर्डिंग टू ही फ्यूचर टाइम में लग सकता है. केम पास्ट टेंस है. हैड कम, हैड भी पास्ट टेंस है. तो कौन सा ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगी, विल कम, ही विल कम टू अस टुमारो. बेटे आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है और आज ही कर लीजिए ताकि जो लेक्चर है वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए और आप जब भी इसको पढ़ें तो आपको बआसानी ये सब कुछ याद हो जाए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.